आखिरकार गुना अशोक नगर के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद केपी यादव के सपने और अरमान धरे के धरे रह गए हैं। दरअसल जब केपी यादव को लोकसभा की टिकट नहीं मिली, उनकी जगह चुनाव लड़वा दोगा ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तब गृह मंत्री अमित शाह आए और उनने मंच से कही कि केपी यादव को भविष्य में सम्मान रखे जे, और ई के बाद उम्मीद लग रही थी कि केपी यादव को पार्टी राज्यसभा पहुंचा सकत है। अब राज्यसभा की एक सीट खाली भई ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद, और बड़ी उम्मीद थी कि केपी यादव राज्यसभा पहुंचे, लेकिन अचानक से पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को अपनो उम्मीदवार बना दो राज्यसभा चुनाव के लाने, और केपी यादव को मायूसी हाथ लगी है। करीब 1.25 साल को जो कार्यकाल है राज्यसभा के सांसद को, ई पे जॉर्ज कुरियन आज नामांकन कर रहे हैं, लेकिन केपी यादव अब सन्नाटे में हैं और कोनो भी प्रकार से बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन केपी यादव को टिकट ना मिलवे को मुद्दा बना लो है विपक्ष ने। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि केपी यादव के संग वादा खिलाफी भई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय ने लिखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समुदाय से आबे वाले केपी यादव के संग धोखा करे है और उनको हक मारे है, और तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को लेकर सिंधिया पे निशानों साधे है और कही है कि सिंधिया नहीं चाहते कि केपी यादव को जो पद मिलवे। कुल मिला के केपी यादव फिलहाल ठगे से रह गए हैं। उम्मीद वे कर रहे हुई है कि अभी भी भाजपा उनको आगे पीछे कछु दे, लेकिन जी तरीके की उम्मीदें उनकी फिलहाल हती वे टूट गई हैं। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।